लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के मनपा स्कूल अब कॉन्वेंट स्कूल बनने वाले हैं, जहां मराठी की बजाय इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। जी हां, यह विजन है बीजेपी विधायक गणेश नाइक का। एरोली में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि वे महानगर पालिका के सभी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम का बनाना चाहते हैं, जहां से पढ़े हुए सामान्य घरों के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों की तरह वैश्विक स्पर्धाओं का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि आज इंग्लिश नौकरी, व्यवहार और कारोबार की भाषा बन गई है। ऐसे में सिर्फ मराठी मीडियम से काम नहीं चलने वाला है, इसके लिए अंग्रेजी जरूरी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि मराठी और हिंदी की पढ़ाई नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। क्या अब नवी मुंबई के महानगर पालिका स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलों की तरह एडवांस और इंग्लिश में पढ़ाई होगी? क्या अब सामान्य और गरीब घरों के बच्चे भी बिना फीस दिए मनपा स्कूलों में ऐसी शिक्षा हासिल कर सकेंगे जिसके लिए कॉन्वेंट स्कूल लाखों की फीस वसूलते हैं? जी हाँ, अगर लोक नेता और विधायक गणेश नाइक का विजन और सपना साकार हो गया तो नवी मुंबई में ऐसा संभव हो सकता है। असल में पूर्व मंत्री गणेश नाइक चाहते हैं कि नवी मुंबई के सभी 64 मनपा स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ाई हो, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे भी वैश्विक स्पर्धाओं का मुकाबला कर सकें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज अंग्रेजी भाषा नौकरी, व्यवहार और कारोबार की भाषा बन गई है। ऐसे में सिर्फ मराठी मीडियम से काम नहीं चलने वाला है, इसके लिए इंग्लिश सीखना और बोलना ज़रूरी है। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। SSC तक मराठी में लेने के बाद में जब वो अंग्रेजी माध्यम से कॉलेज की पढ़ाई करना शुरू करते तो उसको सब्जेक्ट समझने में उसकी कई महीनों की यानी टाइम की कमाई होती है, निकल जाती है, और दे आर अनेबल टू टॉक इन प्रॉपर वे। विदेश में कभी जाना है कोई पढ़ाई के लिए तो मराठी माध्यम से दूसरे सब्जेक्ट में ये लिया तो अंग्रेजी माध्यम में वो पढ़ने के लिए उनको दिक्कत होती है, और ये सब लोग भी अनुभव करेंगे। इसलिए अपने भविष्य के लिए अपन को इस रास्ते से जाना है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब NMMC स्कूलों में मराठी में पढ़ाई बंद होने वाली है? क्या मनपा विद्यालयों में राष्ट्रभाषा हिंदी की पहले जैसी अहमियत नहीं रहेगी? पूर्व मंत्री गणेश नाइक इसका जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है कि NMMC स्कूलों में मातृभाषा मराठी की पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले हर परप्रांतीय बच्चे को मराठी पढ़ना अनिवार्य होगा, इसी तरह हिंदी सीखना भी जरूरी होगा, लेकिन पाठ्यक्रम मराठी की बजाय इंग्लिश में रहेंगे। उन्होंने कारण बताया कि सिर्फ मराठी मीडियम की पढ़ाई से अब ग्लोबल कॉम्पिटिशन में सफल होना आसान नहीं है, इसलिए मनपा स्कूलों के छात्रों को भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना जरूरी है, तभी वे अपना करियर और कारोबार बनाने में सफल हो सकेंगे। देखो, मैं मराठी का अभिमानी हूँ, मराठी तो कंपलसरी एक सब्जेक्ट होगा ही होगा, और साथ में हिंदी भी रहेगा। मराठी तो पहले टॉप पे, हिंदी सेकंड, बाद में पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। देखो बात ऐसे, अंग्रेजी हमारी कोई मातृभाषा है ना, देश की भाषा नहीं है, लेकिन दुनिया के व्यापार की भाषा है, दुनिया के एजुकेशन लेने की भाषा है। हिंदुस्तान का कोई भी रहवासी इधर आए तो वो रहवासी के बच्चों को मराठी सख्ती से पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अपने भविष्य के लिए अपन को इस रास्ते से जाना। फिलहाल बीजेपी नेता गणेश नाइक का यह विजन और सपना कब पूरा होगा यह कहना कठिन है, लेकिन बदलते दौर की जरूरतों के मद्देनजर अगर यह विजन पूरा होता है तो यह लाखों नवी मुंबईकरों के बच्चों की तकदीर बदलने में मददगार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।